वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर आया हो जिसमें प्रॉब्लम इसका चार्जिंग कनेक्टर टूट गया है। तो गाइस इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ से जो है इसे ओपन करना है, यहाँ पे चार स्क्रू रहता है, चारों स्क्रू को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद गाइस आपको जो है सिंपली इसे ऊपर की तरफ हल्के हाथ से खींच देना है। इसके अंदर दो वायर लगा रहता है, एक स्पीकर का रहता है और एक बैटरी का रहता है। तो ये दोनों वायर को जो है आपको हल्के हल्के हाथ से जो है ऊपर की तरफ खींचना है, ये निकल जाता है। और निकलने के बाद जो गाइस इसमें जो लगा हुआ रहता है ये चार्जिंग कनेक्टर, तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और ये ग्राउंड लेके पूरी तरीके से इसके जो पीछे की प्रिंट है वो तेज़ से चार्जिंग प्लगिंग करने की वजह से जो है ये पूरा ग्राउंड लेके उखड़ गया है। तो यहाँ पर जो है गाइस ये नया चार्जिंग कनेक्टर नहीं बैठेगा। आपको सिंपली जो है एक USB वायर लेना है, जो जिससे मोबाइल में हम चार्जिंग करते हैं जिसे चार्जिंग वायर भी बोलते हैं, वो वायर को लेना है। और उस वायर को जो है आपको जो है इसमें जो प्लस माइनस वायर होता है उसे जो है आपको चार्जिंग कनेक्टर की जगह पे आपको सोल्डिंग करना होगा। किस तरह से करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आपको जो है चार्जिंग वायर को जहाँ से मोबाइल प्लगिंग करते हैं वहाँ से कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपको उसे छील लेना है। छीलने के बाद गाइस उसमें चार वायर रहेगा, तो आपको सिंपली जो है ब्लैक और रेड वायर का इस्तेमाल करना है और ये वाइट ग्रीन वायर को कटिंग कर देना है, क्योंकि ये मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज होता है, ये जो है स्पीकर में नहीं यूज होता है। हमें सिर्फ स्पीकर में प्लस माइनस को ही यूज करना पड़ता है। तो आपको सिंपली जो है ये दोनों वायर को अच्छी तरीके से छील लेना है। और छीलने के बाद जो है आपको इसे किस तरह से सोल्डिंग करना है काफ़ी सिंपल है गाइस। ब्लूटूथ स्पीकर में जो चार्जिंग कनेक्टर का प्रॉब्लम आता है जिसके कारण ये बनता नहीं है, तो आपको USB वायर लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। काफ़ी इजी होता है इसे लगाने के लिए। तो इसको जो है यहाँ से एक गांठ मार देना है, क्योंकि गांठ मारने से ये रहेगा कि ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, खींचने से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं तो ये डायरेक्ट आप लगाओगे तो तेज़ से खींचेंगे तो ये जो USB वायर है ये उखड़ जाएगा यहाँ से। तो आपको गांठ मार देना है। और गांठ मारने के बाद इसमें जो है दो वायर रहते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो आपको ब्लैक वाले वायर को जो है कहीं पे ग्राउंड से सोल्डिंग कर देना है, जहाँ पे आपको ग्राउंड मिलता रहेगा। कहीं भी ये जो USB का यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट रहता है इस पॉइंट पे आपको सोल्डिंग कर देना है। कहीं पे भी आप सोल्डिंग कर सकते हैं, ये जो ब्लैक वाला वायर है। और जो रेड वाला वायर है वो हमारा प्लस है, तो आपको प्लस के चार्जिंग कनेक्टर के जो प्लस की लाइन रहता है वहाँ पर आपको सोल्डिंग करना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देख सकते ये जो ब्लैक वाला वायर है आपको यहाँ पर जो है इसे सोल्डिंग कर देना है। और जो रेड वाला वायर है वो ब्लैक वाला वहाँ पे डाइवर्ट लगा हुआ है वो डाइवर्ट के पास आपको सोल्डिंग कर देना है। तो ये देख सकते हैं मैं ब्लैक वाले वायर को जो है ये जो हमारा USB का पॉइंट है इसके साइड वाले खांचे पे सोल्डिंग कर देता हूँ। और ये जो रेड वाला वायर है ये ब्लैक वाला जो डाइवर्ट दिख रहा है यहाँ पर प्लस लाइन जो है चार्जिंग कनेक्टर के पास गया हुआ है वहाँ पर आपको इसको सोल्डिंग कर देना है। और जो गाइस इसमें जो चार्जिंग का प्रॉब्लम रहेगा ये 100% सॉल्व हो जाएगा। और ये जो हम इसमें USB वायर लगा रहे हैं चार्जिंग वायर, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा ख़राब लगता है क्योंकि ये वायर बाहर निकला रहता है, तो आपको अपने हिसाब से उसे एडजस्टमेंट कर देना है। तो जो वायर जहाँ से मैंने निकाला था स्पीकर का वायर स्पीकर में लगाना है और बैटरी का वायर बैटरी में लगाना है, यहाँ पर सेम पॉइंट दिया रहता है, आपको अपने हिसाब से इसे निकालना है और उसी हिसाब से आपको लगाना है वायर। अल्टी पल्टी नहीं मार के लगाना है, नहीं तो उससे क्या रहेगा इसका जो मदरबोर्ड रहेगा वो जल जाएगा, इसमें जो चार्जिंग आईसी लगी हुई रहती है या साउंड आईसी जलता है, क्योंकि बैटरी का वायर साउंड में लगता है तो साउंड आईसी जल जाती है, इसके अंदर एक छोटी सी साउंड आईसी लगा रहता है। तो अभी जो है यहाँ पर मैंने USB को चार्जिंग में प्लगिंग कर दिया और देख सकते हैं ये रेड लाइट जलने लगा है। इसमें जो गाइस प्रॉब्लम था चार्जिंग कनेक्टर का, तो चार्जिंग कनेक्टर नहीं बैठता है, तो आपको सिंपली कि USB वायर लेके उसे प्लस माइनस को देख के अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देना है। इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर में अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो आप USB लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी इजी है गाइस। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आपने जिस तरह से इसे ओपन किया था उस तरह से आपको इसको फिटिंग कर देना है सेम। और इसका जो USB वायर है इसको आपको पीछे के पॉइंट जो ये हैंडल पकड़ने वाला है वहाँ से आपको बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट चालू हो गया है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह डेली आप लोगों को एक नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।